दोस्तों बिग बॉस भले ही कंटेस्टेंट के विवादों को लेकर चर्चा में रहता है, लेकिन इसने कई कंटेस्टेंट की जिंदगी भी बनाई है। इस शो में काम करने के बाद सभी कंटेस्टेंट इतने फेमस हुए हैं कि सबको काम मिला और उनकी जिंदगी बदल गई। सच में इस शो ने तो उनकी जिंदगी बदल दी थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जहां इस शो के जरिए लोगों की जिंदगी बदली, तो वहीं बहुत कुछ ऐसे कंटेस्टेंट भी रहे हैं जो शो खत्म होते ही गायब हो गए और कहीं नजर नहीं आए, क्योंकि उन कंटेस्टेंट ने शो के होस्ट यानी कि सलमान खान से पंगा ले लिया था। और सलमान खान से पंगा लेना यानी कि उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाना, और कुछ ऐसा ही हुआ उनके साथ। तो आखिरकार कौन कौन से हैं वो सितारे और किस वजह से लिया उन्होंने पंगा अभिनेता सलमान खान से, इसी बात की जानकारी आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। और उससे पहले बिग बॉस और सलमान खान के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नंबर एक, आकाशदीप सहगल। क्योंकि सास भी कभी बहू थी फेम एक्टर आकाशदीप सहगल ने जब बिग बॉस सीजन 5 में हिस्सा लिया था, तो उन्होंने अपने झगड़ों की वजह से खूब सुर्खियां बटोरी थी, क्योंकि उन्होंने शो के कंटेस्टेंट के साथ साथ शो के होस्ट सलमान खान से भी झगड़ा कर लिया था। दरअसल आपको बता दें, इन्होंने सलमान खान पर आरोप लगाया था। सलमान खान हमेशा शो में उनके विरोधी रहे हैं और उन्हें हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते थे। इसके बाद से ही सलमान खान ने इनके बात का जवाब इतने अच्छे से दिया था कि आज तक काम के लिए तरसते हैं। नंबर दो, प्रियंका जग्गा। बिग बॉस सीजन 10 में एक और कॉमनर बनकर एंट्री लेने वाली कंटेस्टेंट प्रियंका जग्गा ने भी सलमान खान से पंगा लेकर अपने करियर को बर्बाद कर दिया है। तो आपको बता दें, प्रियंका जग्गा द्वारा दूसरे कंटेस्टेंट को गंदे कमेंट करने की हरकत पर सलमान खान ने इन्हें समझाने की कोशिश की, पर अपने प्रति भी इनका व्यवहार रवैया देख सलमान खान का खून खौल उठा, जिसके बाद सलमान खान ने इन्हें शो से निकालते हुए ये कह दिया कि अगर कलर्स चैनल प्रियंका जग्गा के साथ काम करेगा, वो कभी भी उनके साथ काम नहीं करेंगे। इसी बात से ही किसी भी चैनल ने इनके साथ काम नहीं किया और प्रियंका जग्गा का करियर हुआ पूरा बर्बाद। नंबर तीन, जुबैर खान। जी हाँ, जुबैर खान ने बिग बॉस सीजन 11 में आते ही शो के सभी कंटेस्टेंट के साथ बुरा बर्ताव करना शुरू कर दिया था। यही नहीं, उन्होंने शो की फीमेल कंटेस्टेंट के साथ साथ सलमान खान से भी बदतमीजी कर दी थी, जिसके चलते सलमान खान ने उन्हें धमकी देते हुए ये कहा था कि औकात दिखानी है ना तुझे, तो निकाल अपने मुंह से गंदगी, कसम खुदा की तुझे कुत्ता ना बना दिया तो मेरा नाम सलमान खान नहीं। जिनकी इसी बात पर जुबैर खान ने FIR भी दर्ज करवाया था, पर सलमान खान का तो कुछ बिगड़ा नहीं बल्कि इनकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। नंबर चार, सिद्धार्थ भारद्वाज। जी हाँ दोस्तों, बिग बॉस सीजन 5 में नजर आ चुके कंटेस्ट सिद्धार्थ भारद्वाज भी सलमान खान से पंगा लेने की वजह से अपने करियर को बर्बाद कर चुके हैं। दरअसल वीकेंड का वार वाले दिन इन्होंने सलमान खान से काफी ज्यादा बदतमीजी की थी, जिसके चलते इनके साथ आज तक किसी ने भी काम नहीं किया, इसलिए और कंटेस्टेंट की तरह इनका भी करियर बर्बाद हो गया। वेल दोस्तों, ये तो थे कुछ सितारे जिन्होंने सलमान खान से पंगा लेकर अपनी जिंदगी खराब कर ली। लेकिन दोस्तों, क्या आपको लगता है कि अगर इन्होंने सलमान खान से पंगा ना लिया होता तो ये आज अपने करियर में सक्सेसफुल होते? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही ऐसी और भी मसालेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।